हेलो गाइस, देखिए भैया के घर पर आ चुके हैं। भैया ने 2 दिन पहले स्टार्टर लेकर गए थे दुकान पर, और लेकर आए, चालू किए तो चालू नहीं हुआ दोस्तों, पानी नहीं आया मोटर से। तो भैया ने कॉल किए हैं, 2 दिन बाद हम पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या दिक्कत है दोस्तों। यहीं स्टार्टर है दोस्तों, देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, भैया ने जो रेड और येलो ब्लू जो मोटर को तार को हम कसते हैं, वो उल्टा कस दिए हैं, देख सकते हैं। देखिए, रेड के जगह पे ब्लू कसे हैं, अब ब्लू के जगह पे येलो कस दिए, सब उल्टा फुल्टा है दोस्तों। तो चलिए, लाइन कट चुका है गाइज, हम मोटर को वायर को हम ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। मोटर को वायर को खोलने के बाद हम मोटर का कंटिन्यूटी माप देंगे दोस्तों, जब तक लाइन नहीं आता है तब तक हम कंटिन्यूटी मापेंगे। चलिए दोस्तों, मोटर को वायर को हम खोल रहे हैं, कंटिन्यूटी इसका कितना आ रहा है दोस्तों। मोटर का जब भी आप जाइए मोटर चेक करने, सबसे पहले मोटर का कंटिन्यूटी ही मापिए। तो देखिए दोस्तों, सब उल्टा फुल्टा भैया कसे हैं। देखिए, मोटर को वायर किस तरह कसना चाहिए दोस्तों, दाहिने साइड ब्लू वायर रहना चाहिए, कंडेंसर वाला में ब्लू वायर नहीं रहना चाहिए। देखिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर चुके हैं दोस्तों, अब हम मोटर का कंटिन्यूटी मापेंगे। मल्टीमीटर का एक वायर देंगे ब्लू वाला वायर पे, किसी भी मल्टीमीटर का एक वायर, ब्लैक दीजिए या रेड दीजिए, कोई भी एक वायर देंगे ब्लू वाला वायर पे सबसे पहले। देखिए, दे दीजिए, एक स्टार्टिंग कॉइल पे येलो पे दे रहे हैं, क्या होता है देखिए, 16 कंटिन्यूटी आया है दोस्तों, और रनिंग कॉइल पे 44। तो देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी है, जोड़ कर बता रहा है दोस्तों, देखिए 58 बता दी। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये मोटर कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो चलिए एक बार और चेक करते हैं, कहीं मीटर में खराबी नहीं तो है। तो चलिए दोस्तों, एक बार और हम मापते हैं, ये मोटर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसे साबित होता है कि दोस्तों वाइंडिंग में पतला तार डाला गया है। चलिए दोस्तों, 16 देखिए, 44 44 45 आ रहा है दोस्तों, और दोनों को जोड़ कर बता दिया, 58 59 60 यहीं आ रहा है दोस्तों। मोटर का कंटिन्यूटी ठीक है, मोटर ठीक बता रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कैसे पता चल गया कि मोटर ठीक ही बता रहा है। तो दोस्तों, जब भी हम मोटर का कंटिन्यूटी मापते हैं, कंटिन्यूटी कितना भी आए, एक नहीं आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए, सिंगल फेज मोटर का कंटिन्यूटी 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, दोनों को जोड़कर बताना ही चाहिए दोस्तों। 2 आ रहा है, फिर भी दोनों को जोड़कर बताना चाहिए, रनिंग है स्टार्टिंग पे जब हम लाइन देते हैं रेड है येलो पे, तो दोनों को जोड़कर कंटिन्यूटी बताना चाहिए दोस्तों कि कितना कंटिन्यूटी आ रहा है। अगर दोनों को जोड़कर नहीं बताया तो समझ जाएंगे कि हमारा ही मोटर ठीक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मोटर को वायर को हम कस रहे हैं, सीधा कसेंगे। देखिए, दाहिने साइड ब्लू वायर कसे हैं, अपने बाएँ साइड रेड वायर कसे हैं, तब बीच में हम येलो वायर को कसे हैं, अब सबसे बाएँ साइड फेज या न्यूट्रल दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मोटर को वायर को कस चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर देखेंगे दोस्तों, स्टार्ट कर देखेंगे, लाइन आ चुका है दोस्तों, अब चालू करते हैं, क्या होता है, क्या दिक्कत हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट कर दिए हैं, एम्पियर कितना है दोस्तों, 5 5.5 एम्पियर है, 5 एम्पियर। तो चलिए, आपको हम पानी दिखाएंगे कि कितना पानी दे रहा है ये मोटर, बहुत ज़्यादा कम पानी दे रहा है, और टाइम भी लगता है नीचे से पानी आने में दोस्तों। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों ये मोटर पानी कम देती है, देख सकते हैं, एम्पियर भी ज़्यादा नहीं लेता है। देखिए, प्रेशर इसका बहुत कम है दोस्तों, आधा प्रेशर है, इसको मारना चाहिए डबल प्रेशर। देखिए दोस्तों, बहुत कम पानी ये मोटर दे रही है दोस्तों, क्या दिक्कत हो सकता है, क्यों मोटर कम पानी दे रहा है। चलिए दोस्तों, मोटर को वायर को रेड की जगह पे येलो कसेंगे, येलो की जगह पे पीला कसेंगे, और रनिंग स्टार्टिंग कॉइल को चेंज कर देखेंगे कि पानी आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों, हम चेंज कर देख चुके हैं, पानी नहीं आया, सही साफे पानी नहीं आया दोस्तों, एम्पियर भी बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, येलो की जगह पे येलो कस देते हैं, रेड की जगह पे रेड ही कसेंगे। हम डबल कंडेंसर के पावर भी देकर देख लिए दोस्तों, 50 का पावर हम येलो और रेड वायर पे, जो मोटर का येलो वायर है और रेड वायर है, उस पे हम 50 50 UF का कैपेसिटर को यूज किए हैं सटा कर, फिर भी पानी कम ही आया, उतना ही पानी दे रहा था, हल्का सा पानी परिवर्तन आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पानी नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, कुछ भी कर दिए पानी इसका नहीं बढ़ा।
तो दोस्तों आप कमेंट कर कर बताइएगा कि आखिर क्या दिक्कत हो सकता है कि दोस्तों मोटर का पानी नहीं बढ़ रहा है। भैया से पूछे कि क्या नए पे के पानी कम दे रहा है, भैया बोले नहीं। तो आप कमेंट कर कर बताइए मेरे।